हमें अपने डेंटल प्रैक्टिस के अंदर, डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस के अंदर नर्व ब्लॉक्स बहुत बार देने पड़ते हैं। हम जब भी कभी RCT कर रहे हैं या क्राउन प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्राउन लेंथनिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें बहुत कॉमनली हमें नर्व ब्लॉक्स देने पड़ते हैं। और जो ये नर्व ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट पोजिशन पर होंगे तभी इफ़ेक्टिव होते हैं, नहीं तो उनका इफ़ेक्ट 100% नहीं आता। हाय, मैं GDS डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक की, इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक की। आपको इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक समझाने के लिए मेरे पास एक मैंडिबुलर का मॉडल है, और हम जो आज जिसकी बात कर रहे हैं वो है इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व। तो उससे पहले देख लेते हैं ये किसकी ब्रांच है। ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, जिसकी जो थर्ड डिवीजन है वो मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व की जो एक ब्रांच है वो है इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व। जो ये इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व है, ये अगर आप इसको ध्यान दें तो ये यहाँ से लगभग ये ऐसे आती है और यहाँ पे लिंगुअल फोरामेन से के अंदर घुस जाती है। अब ये यहाँ से अंदर घुसती है और ये फिर हमारी ये यहाँ पे मेंटल फोरामेन से ये बाहर निकलती है। अब ये हमारे जो बोन है मैंडिबल की, ये काफ़ी हार्ड है, थिक है, कॉर्टिकल बोन काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार ये अंदर घुस जाती है तो देर इज़ नो वे कि हम इसको ब्लॉक कर सकें। अगर आपको जानते हैं, जैसे अपर के अंदर अगर हम लोकल नर्व ब्लॉक भी दे देते हैं तो एनेस्थेटाइज हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। उसका कारण क्या है कि अपर की जो बोन है वो पोरस है और ज़्यादा अंदर एम्बेडेड नहीं है हमारी नर्व। लेकिन ये एक बार जब इसके अंदर चला जाता है तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक बोन है और हम इसको एनेस्थेटाइज नहीं कर सकते। तो ओनली वे जिसके कारण हम इसको एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, तो ये जो लिंगुअल फोरामेन है इससे अबव को। अब ये कोई यहाँ पे किसी इंजेक्शन के अंदर हम जो इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक के बारे में बात करें वो लगभग इस एरिए को एनेस्थेटाइज करता है। अगर इससे ऊपर चले जाते हैं या कोरोनाइड नोच के पास चले जाते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे वाजीरानी, गो गेट्स, लेकिन उनकी बात हम नहीं कर रहे। आज हम इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना जो सॉल्यूशन है वो डिपॉजिट करना है। लेकिन एक्चुअल टेक्निक से पहले, चलने से पहले हमें है ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी कि भाई ये किस चीज़ को एनेस्थेटाइज करता है, कब हमने देना है, ताकि आप इसको राइटली दे सको। तो हमारी जो ये मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांच है इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व, वो यहाँ पे घुसती है और यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये फिर इंसाइजर्स को भी सप्लाई करती है। अगर हम यहाँ पे LA का सॉल्यूशन डिपॉजिट करते हैं तो इसे मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक कहते हैं, या यहाँ पे इंसिसिव नर्व ब्लॉक कहते हैं। तो हमारे जो ये मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांच है इन्फीरियर एल्वियुलर, ये हमारे इस वाले थर्ड मोलर से लेके ये सेंट्रल इंसाइजर तक को सप्लाई करती है। अगर आप RCT कर रहे हैं तो जस्ट आपने इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक यहाँ पे लगाना है और ये सारे दांत एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ का पेरियोस्टियम, जो ये बक्कल पेरियोस्टियम और लिंगुअल पेरियोस्टियम भी एनेस्थेटाइज करना होगा, नहीं तो हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो हमारी जो ये इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व है, ये इन दांत को सप्लाई करती है, प्लस ये बक्कल पेरियोस्टियम को प्रीमोलर से लेके एंटीरियर तक ये इस सारे एरिया को भी सप्लाई करती है। और जो हमारी ये लिंगुअल नर्व है वो भी इसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी से गुजरती है। तो जब हम यहाँ पे अपना LA सॉल्यूशन डिपॉजिट करते हैं तो लिंगुअल नर्व ऑटोमेटिकली एनेस्थेटाइज हो जाती है। तो हमारे जो लिंगुअल पेरियोस्टियम है वो एक्चुअली ये अंदर लिंगुअल नर्व ब्लॉक के कारण एनेस्थेटाइज होता है, वो इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक के कारण नहीं होता है। तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है तो हमारा जो ये लिंगुअल पेरियोस्टियम है और हाफ टंग है वो एनेस्थेटाइज हो जाती है। इसी वजह से अगर जब आप इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक देते हैं तो हमारा ये लिप भी आगे का एनेस्थेटाइज हो जाता है, और हम पेशेंट से पूछते हैं क्या होंठ के ऊपर भारीपन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो क्योंकि अब ये बक्कल पेरियोस्टियम मोलर्स का सप्लाई नहीं होता इन्फीरियर एल्वियुलर से, इसलिए हमें एक और इंजेक्शन देना होता है जिसे हम लॉन्ग बक्कल कहते हैं, ताकि ये वाला पेरियोस्टियम एनेस्थेटाइज हो सके। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें अगर एनेस्थेटाइज करना है, इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक देना है, तो हमें ये वाला एरिया एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक हम अपनी नीडल को पहुँचाएंगे कैसे? और ये तो हमको दिख रहा है क्योंकि ये डमी मॉडल है, लेकिन माउथ के अंदर ये एरिया तो हमें दिखता भी नहीं है।
तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन है कि जो हमारा जो ये लिंगुअल फोरम है ना, ये है कहाँ, ये हमारा जो ये ऑक्लूजल प्लेन है, अगर आप ये देखें ये ऑक्लूजल प्लेन है, ऑक्लूजल प्लेन जहाँ पे दांत हमारे मिलते हैं, तो इस ऑक्लूजल प्लेन से ये 5 से 6 mm अबव होता है, तो ये लगभग ये यहाँ पे कहीं होगा लिंगुअल। अगर देखते हैं ये इसमें इस मॉडल के अंदर थोड़ा नीचे, एक्चुअल के अंदर ये यहाँ पे होता है 5 से 6 mm अबव। तो हमारी जो नीडल है वो ऑक्लूजल प्लेन से 5 से 6 mm अबव रहेगी, ऐसे हमारी नीडल दांत को टच नहीं करेगी। अगर दांत को टच करेगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी या ऐसे हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि हमारी नीडल डाउन चली गई, ऐसे ऐसे हम दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, और ये लिंगुअल फोरामेन से नीचे चली गई है, तो हमारा जो ब्लॉक का असर है वो नहीं आएगा। अगर आपने गलती करनी है तो आपने ऊपर की तरफ करिए, आप नीचे की तरफ ना करिए। दूसरी बात जो हमें नोट करनी है वो ये करनी है कि अगर ये हमारा विड्थ है रेमस की, तो ये एक्चुअल में हमारा जो फोरामेन है वो कहाँ पर है, तो हमारा ये 2/3 पे होता है। अगर मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ तो ये लगभग ये यहाँ कहीं होता है। ये जो विड्थ है हमारी, ये वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट, और हम इस विड्थ को हम पेशेंट के अंदर फील भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक थंब से हम कोरोना नॉट्स को फील करते हैं, और एक्स्ट्रा ओरली हम ये वाली विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये पतली होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो हमारा इन्फीरियर एल्वेलर का जो ब्लॉक आने का असर है वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और लेकिन किसी पेशेंट की बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी टेढ़ी भी होती है, तो उस केस के अंदर असर आने का ज़रूरी नहीं है कि वो असर आ पाए। तो अब हमें दो बातें पता लग गई हैं कि हमको एक ये कि ऑक्लूजल प्लेन से 5 से 6 mm अबव रखना है, और इसको एंटीरियर बॉर्डर से 2/3 तक अंदर घुसाना है। तो जो हमारी नीडल है ये दो तरीके की हो सकती है। ये शॉर्ट नीडल है, शॉर्ट नीडल का मतलब ये वाली जो इसकी लेंथ है ये 25 mm है, और ये 25 गेज की ही नीडल है। दूसरी क्या है, आपने लंबी और पतली नीडल्स देखी होंगी जो 30 गेज की होती है। कुछ डॉक्टर इसे प्रेफर करते हैं, कुछ उसे प्रेफर करते हैं, ये आपके अपना इंडिविजुअल डिसीजन है आपने कौन सी यूज़ करनी है। मुझे शॉर्ट पसंद है तो मैं इस शॉर्ट से ही डेमो दूंगा। तो अगर आप अपोजिट पेरिमोलर से अगर इसको अप्रोच करते हैं, तो ये लगभग जो हमारा हब है वो आपका टेरिगॉइड रेफे से टच कर जाएगा, आपकी पूरी की पूरी नीडल ही अंदर घुस जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी नीडल जस्ट इतनी आधी से भी कम गई है, तो यानी आपका जो डायरेक्शन है वो गलत है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। देखते हैं अब ऐसे में केस में ये जरासी क्यों जाती है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाली जो एक रिज है, ये जिसके पीछे ये लिंगुअल फोरामेन छुपा हुआ है, तो अगर कई बार क्या होता है कि आप नीडल डाल रहे हो और ये हिट हो गई यहाँ पे, तो हमारी नीडल बिल्कुल जरासी ही अंदर जाएगी। तो इस केस में क्या करें, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। हमने फिर अपनी नीडल की डायरेक्शन थोड़ी सी एंटीरियरली करनी है। और अगर मान लेते हैं कि हम जब डाल रहे हैं तो पूरी चली गई लेकिन बोन हिट ही नहीं हुई, तो उस केस में क्या करना है, हमें थोड़ा सा पोस्टीरियर कर लेना है ऐसे, बस हमारी जो डायरेक्शन है वो उस केस में थोड़ी सी पोस्टीरियरली हो जाएगी। अगर आप प्रीमोलर से इसके पीछे यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एस्पिरेट करना पड़ता है। हम अपनी नीडल को बिल्कुल सेम जगह पे रखेंगे और इसको खींचेंगे वापसी में। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरी पूरी नीडल ब्लड से भर जाएगी, और या फिर मेरे हब के अंदर जरा सा ब्लड दिखाई देगा। अगर मेरी नीडल पूरी की पूरी अंदर घुस जाती है, तो इसका क्या मतलब, ब्लड से भर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हम आर्टरी के अंदर हैं, और ये हमारी जो अगर हम उसको सॉल्यूशन को डिपॉजिट कराएंगे तो आर्टरी में चला जाएगा और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इस केस में क्या करना है, आपने नीडल को रिमूव करना है और उसको थ्रो कर देना है। और अगर मान लेते हैं आपको जस्ट हब के ऊपर जरा सा ब्लड दिखता है, इसका क्या मतलब है कि कोई मेजर आर्टरी नहीं है, आपकी जो नीडल टिप है वो हो सकता है किसी वेन के साथ टकरा गई हो, तो उस केस में क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे हो और आपकी जरा सी हब के अंदर ब्लड आ गया, आपने हल्का सा विड्रॉ करना है और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी है, एंड दोबारा एस्पिरेट करके उसको सॉल्यूशन को डिपॉजिट कर देना है। अब यहाँ पे तो मेरे पास ये शॉर्ट नीडल है जो मेरी यहाँ पे बिल्कुल पीछे तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग नीडल है तो क्या हो सकता है कि ये आपकी नीडल यहाँ पे क्रॉस कर जाए। जब आपकी क्रॉस कर जाएगी तो यहाँ पे पीछे पैरोटिड ग्लैंड होती है, फेशियल नर्व होती है, और अगर आप वहाँ पे सॉल्यूशन डिपॉजिट कर दोगे तो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है थोड़ी देर के लिए।
तो आपने अपनी टेक्निक लॉन्ग निडल में तो बिल्कुल सही रखनी है। अब आपने इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं, तो अब हम टेक्निक भी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निक डिस्कस करने से के लिए हमें कुछ लैंडमार्क्स जानने पड़ेंगे, वो क्या क्या होते हैं। पहले तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस है, दिस ये आप इजीली पेशेंट के माउथ में फील कर लेंगे। फिर जो ये डीपेस्ट पोर्शन है, ये जो डीपेस्ट पोर्शन है, ये आपका कोरोनाइड नोच है यहाँ पे। फिर आप जब पेशेंट माउथ ओपन करता है, तो एक आपको ये यहाँ से इस अटैचमेंट से लेके ये ऐसे आपको एक टेरिकॉइड रेफे भी दिखेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जब पेशेंट माउथ ओपन वाइड ओपन करेगा तभी दिखेगा आपको, कम ओपन में ये नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पेशेंट को बिल्कुल बड़ा मुंह खोलने के लिए बोलना है। तो आपने क्या करना है, इस एंटीरियर बॉर्डर को फील करना है, कोरोनाइड नोच को फील करना है, और ओक्लूजल से, अब जब मैं थंब रख रहा हूँ तो देखिए मेरा ओक्लूजल से अब मेरे को एक लैंडमार्क मिल गया कि 5 से 6 mm कहाँ होगा, मेरे थम्स के बीचों बीच, और मेरा यहाँ पे एक टेरिकॉइड रेफे भी है, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो अब हमने क्या करना है, मेरी जो नीडल है अपोजिट प्रीमोलर से आएगी और इसके बिल्कुल बीचों बीच आएगी, और मेरी ये जो प्रीमोलर है इसको टच नहीं करेगी, और इसके बाद मेरे ये यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा बिल्कुल लिंगुअल नर्व के पास। अब बात करते हैं कि हमें सॉल्यूशन कितना डिपॉजिट करना है। अब सॉल्यूशन डिपॉजिट कितना करना है, आइडियली हमें बुक समय बताती 2 ml डिपॉजिट करना है, लेकिन मैं 3 ml डिपॉजिट करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि एक तो ये मेरी नीडल मैं यूज़ ही 3 ml करता हूँ, और दूसरी बात क्या है कि मैं 1 ml एक्स्ट्रा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक ही इंजेक्शन मेरे को 100% रिजल्ट दे दे, अगर मेरी टेक्निक थोड़ी बहुत कमी है तो उसको वो ओवरकम कर सके। मैं नहीं जानता ये टेक्निक कहाँ से आई, लेकिन मैंने भी कॉलेज के अंदर क्या सीखा था कि मैं इसके अंदर थम से डालते हैं एंड पहले ऐसे एस्पिरेट करते हैं, फिर उसके बाद डिपॉजिट करते थे, फिर थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं और ऐसे एंटीरियरली आ जाते हैं, और फिर हम उसके बाद दोबारा से लिंगुअल नर्व के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए, आप ये यहाँ से लेके अगर आप एंटीरियरली आते हैं तो नीडल मेरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं उस मसल्स को जो है वो अननेसेसरली छेड़ रहा हूँ, तो जो एक ट्रिसमस का कारण बन सकती है। इन्फीरियर एल्वियलर में बहुत बार ये ट्रिसमस की प्रॉब्लम आती है। ट्रिसमस यानी आपके पास पेशेंट आएगा और वो आपसे यही कंप्लेन करेगा कि उसका मुंह खुल नहीं रहा है। तो इस केस के अंदर आपने पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर डालना है, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने के लिए कहना है, और उसको ये बोलना है कि वो एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ये परमानेंट हो सकती है। तो इस चीज़ से आप बचें, बस इसको सीधे जाएं सॉल्यूशन डिपॉजिट करें और आपकी लिंगुअल नर्व और इन्फीरियर एल्वियलर नर्व दोनों एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। अब हमने ये मॉडल के ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो अब हम एक पेशेंट के ऊपर इसको देख लेते हैं। आपने एलिस स्प्रे का यूज़ करना है इंजेक्शन से पहले, ताकि इंजेक्शन बिल्कुल पेन फ्री हो। इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट को बड़ा मुँह खोलने के लिए कहना है, और फिर आपने एक्सटर्नल बॉर्डर को फील करते हुए एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पर आना है, एंड यहाँ पर आपको कोरोनाइड नोच पर थंब प्लेस करना है। जब आप कोरोनाइड नोच पर थंब प्लेस करेंगे तो थंब की टिप टेरिकॉइड रेफे को टच करेगी। अब थंब और टेरिकॉइड रेफे के बीच में अपोजिट प्रीमोलर से इंजेक्शन को इंसर्ट करना है, एंड बोन हिट होने तक इसको इंसर्ट करते रहना है। जब आपको बोन हिट होना फील हो जाए तो तब आपको एस्पिरेट करना है और ये चेक करना है कहीं आपकी इंजेक्शन की टिप आर्टरी में तो नहीं है, और अगर एस्पिरेशन नेगेटिव है तब आपको धीरे धीरे इसको पूरा इंजेक्ट कर देना है, और आपके इंजेक्शन की जो स्पीड रहेगी वो 2 ml पर मिनट के हिसाब से रहेगी। फ्रेंड्स, इन्फीरियर एल्वियलर नर्व ब्लॉक के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया होऊंगा, और अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और तो आप GDS डेंटल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपका हाथ पकड़कर सिखाएंगे कि इन्फीरियर एल्वियलर नर्व ब्लॉक कैसे देना है। और जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या इम्प्रूव मैं इस वीडियो को कैसे कर सकता हूँ ये भी आप ज़रूर लिखें। आपकी ये कमेंट्स एंड लाइक्स ही हैं जो मेरे को प्रोत्साहित करती हैं कि मैं ये वीडियोज़ और बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूज़फुल वीडियोज़। थैंक यू।